सब्सक्राइब करें हमारा भारत चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर टीलर रोटरवेटर कृषि के छोटे यंत्रों पर आपको सब्सिडी कैसे मिल सकती है, कैसे आप गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते रहिए पूरी वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है सभी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि सबको जानकारी पता लगेगी तभी वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों बता दूं मैं आपको, सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है जो कि पीएम योजना के तहत है, जो कि कृषि से जुड़े हुए जितने भी यंत्र हैं उसमें आपको आधे दामों पर कैसे यंत्र मिल सकते हैं, कैसे उसको अप्लाई करना है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों सरकार की मंशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, वृद्धि हो फसल में, और यंत्रों का होना बहुत जरूरी है उसके लिए, जैसे रोटरवेटर, टीलर, डिजिटल तरीके की मशीनें, ट्रैक्टर, भाई ये होना चाहिए। अब हल से खेती नहीं होती है पहले की तरह, तो इसलिए नए उपकरण होंगे तभी किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, उसके बारे में बात करेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्लीज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो नंबर एक, तो इसमें आधार कार्ड चाहिए, इसकी फोटोकॉपी लगेगी, बैंक पासबुक चाहिए, एक पहचान पत्र, जैसे कि पहचान पत्र में आपका कोई भी वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र बोलते हैं, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। ऐसे ही पते के प्रमाण पत्र में मतदाता पहचान पत्र होगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। भूमि के दस्तावेजी प्रमाण होंगे, जैसे कि आपकी जो फसल होती है, जो खेती होती है, उसकी जो फरद होती है उसकी फोटोकॉपी, और आपको 3 करंट के फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज के, ये तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसका ऑफलाइन तरीका बता देता हूं। व्यक्तिगत किसान लाभार्थी के लिए फसल आवेदन प्रबंधन कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र, ये फॉर्म होगा, स्कीम का नाम ये है नई केंद्रीय सेक्टर स्कीम प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल। इसमें भाग दिए हुए हैं, सबसे पहला है किसान का नाम, या नाम आ जाएगा, उसका लिंग क्या है, स्त्री है या पुरुष है, जन्म की तिथि, पिता पति का नाम, उसकी जो श्रेणी है सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति, लघु सीमांत किसान, जो भी है, उसका पता, गांव, ब्लॉक, जिला, उसका फोन नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, और यहाँ पे बैंक खाते की डिटेल आएंगी, बैंक का नाम, खाते का नंबर, शाखा का नाम और IFSC कोड। यानी अधिकतम 3 कृषि यंत्र, ज्यादा से ज्यादा 3 कृषि यंत्र मिलेंगे, तथा एक प्रकार के एक ही कृषि यंत्र पर आपका स्वीकृत होगा। अगर जैसे 3 आप टीलर खरीदते हैं तो तीनों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, एक पे मिलेगी सब्सिडी। तो इनका कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके के यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हैं, क्या है ये है, रिवर्सिबल MPLO है, स्ट्रोसी है, जीरो ड्रिल है, रोटरवेटर है, कितने हो गए टोटल इनका है, भाई किसने बनाया, उसका डीलर का नाम, उसका पता, मौजूदा ट्रैक्टर का विवरण, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल, ये सब। और यहाँ पे ये घोषणा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने पिछले 5 वर्षों के दौरान उपरोक्त किसी यंत्र पर कृषि एवं किसान कल्याण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया। उसके बाद आते हैं नीचे पटवारी की रिपोर्ट। पटवारी इस पे आपका वेरीफाई करेगा, प्रमाणित करेगा आपका नाम, रिकॉर्ड अपने यहाँ से जो उसके पास रिकॉर्ड होगा, किस नाम का है, कैसे है, कितनी जमीन है, पटवारी का नाम, उसके हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पे आपकी एक पावती होगी, यानी कि एक एक्नोलेजमेंट फॉर्म होगा, ये आपका नाम वगैरह लिख के आप एक एक्नोलेज करेंगे कि तो मेरे द्वारा कोई भी जानकारी गलत नहीं है और मैं यहाँ पे साइन करके वेरीफाई करता हूँ। एक तो ये ऑफलाइन वाला फॉर्म हो गया, दूसरा आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन भरने के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, इसमें हरियाणा सरकार की है देखिए ये वेबसाइट, ये राजस्थान की है, कितनी फैसिलिटी है, सीड्स है, डेमोनस्ट्रेशन है, इरिगेशन है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिप्सम मिलेगा, बीमा मिलेगा, ये राजस्थान एग्रीकल्चर का है, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल के द्वारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन फार्मर्स वेलफेयर, ये उत्तर प्रदेश का है, ये अलग अलग वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे सबसे पहली एक वेबसाइट है
agrimachinery.nic.in, ये आप डालेंगे या ये भी लिख देंगे गूगल में फार्मर सब्सिडी ऑनलाइन फॉर्म, तो ये पहला फॉर्म खुलेगा। अगर आप इसे खोलते हैं तो यहीं पे पहले इन्फॉर्मेशन आएंगी कि भाई आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए फार्मर का, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स चाहिए ROR, मतलब जो भी है आपका जो रिकॉर्ड आप नीचे लिखेंगे क्या क्या है भाई, जो जो डॉक्यूमेंट है जिस जिस चीज़ के हैं, कौन सा यंत्र आपने खरीदा है उसको वेरीफाई मोहर लगा के देगा शोरूम वाला, तो वो चीज़, ब्लैंक पासबुक के जो पहला पेज है तो उसके ऊपर, या ब्लैंक चेक जो भी देंगे, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, कॉपी ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे SC ST OBC, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई चेकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन फार्मर, चेकिंग भी कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से आप किसी से भी, जैसे आपने आधार नंबर डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, जैसे आप कहाँ से हैं, हरियाणा से मानते हैं, अपना आधार नंबर और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, अगर होगी नहीं है तो वो ऑप्शन दे देगा नीचे, नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के हिसाब से जैसे मैं करता हूँ आपका यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा के बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिया रोहतक, रोहतक के बाद हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, सबमिट किया। अब इसने कह रहा है नो डेटा फाउंड, प्लीज फिल द फॉलोइंग डिटेल्स, हमें कोई डेटा नहीं मिला, तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी है अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, गांव सेलेक्ट करेंगे, जो भी है, आधार नंबर, नाम क्या है आधार नंबर में, पिता का या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, और कैटेगरी किस में, OBC है, जनरल है, क्या है, किस तरह के किसान हैं, बड़े हैं, सीमांत हैं या लघु हैं, छोटे बड़े किसान हैं जैसे भी हैं उस हिसाब से, फ़ोन नंबर यहाँ पे, ईमेल आईडी, आपका पिन कोड क्या है क्षेत्र का, एड्रेस आपका पूरा, और पैन कार्ड नंबर डाल के रजिस्टर कर देंगे। इसका एक प्रिंट आउट निकाल के आप तहसील में जाके भी जमा कर सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर शोरूम जहाँ से आप ट्रैक्टर या यंत्र खरीदते हैं उस दुकान पर जाके भी जमा कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसकी रिसिप्ट मिल जाएगी। वैसे सबसे अच्छा तरीका ये है, ऑफलाइन फॉर्म आप भरिए, ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद ये आप यहाँ आप जाएंगे तहसील में, जब वेरीफाई कराएंगे तो सारी क्या क्या योजनाएं वो आपको बता भी देगा पटवारी, और कितना मिलेगा, किस यंत्र पे कैसा है, सारी जानकारी वो बता भी देगा, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, वहाँ जाइए, वहाँ कराइए, वहाँ से आप करा सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन भरिए, मेरा यही सुझाव होगा, ऑफलाइन फॉर्म भरिए, वहाँ से आप इसे दो जगह जमा कर सकते हैं, तो तहसील में, ब्लॉक में, या कृषि विभाग में जमा कर सकते हैं, या फिर जहाँ से आप यंत्र खरीद रहे हैं वहाँ जमा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।